अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट्स आज हम अपना मैथ का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लेके 20 तक। ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है, आज दोबारा हम 0 से 20 तक काउंटिंग लिखना सीखेंगे। आपने मेरे साथ साथ लिखनी है, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 कैसे लिखना है आपने, बिल्कुल गोल नहीं लिखना, ठीक है, थोड़ा आपने एग शेप में लिखना है, ठीक है, इस तरह ओवल शेप में। अब 0 के बाद क्या आता है, 1, स्ट्रेट आपने लाइन तक 1 बना देना है। 1 के बाद 2, 2 हमने बहुत बार सीखा है ना कैसे लिखना है, ऊपर से आपने यूँ गोल करके नीचे ले आना है और फिर लाइन के बिल्कुल ऊपर लाइन बना देनी है। 2 के बाद 3, 3 आपने कैसे बनाना है, जैसे हाफ सर्कल बनाते हैं, 1 पार्ट बना दिया, इसी तरह आपने इसका दूसरा पार्ट बना दिया, क्या बना ये, 3। 3 के बाद 4, छोटा सा आपने 1 बनाया यहाँ पे, इसके साथ यूँ स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। फिर आपने इस लाइन के थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है, स्ट्रेट 1 लाइन तक ले आना है। 4 की मैं हमेशा बताती हूँ, आपकी ये लाइन नज़र आनी चाहिए, ठीक है। 4 के बाद 5, 5 भी आपने नीचे से हाफ सर्कल की तरह गोल कर देना है। 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 आपने ऊपर से तिरछा करके लेके आना है, नीचे से यूँ 0 बना देना है। 6 के बाद 7, स्ट्रेट लाइन बनाई और 1 आपने थोड़ा सा तिरछा करके यूँ लाइन तक लेते आना है, ठीक है। 7, 8 आपने सर्कल बनाया यूँ, इसके साथ ही मिला के आपने दूसरा सर्कल बना देना है। 8, 8 के बाद 9, 0 बनाया, सर्कल बनाया, इसके साथ ही मिला के 1 नीचे ले आए, ठीक है। 9 तक हो गई। अब 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 कितना होता है, 1, 0, 10। एक बॉक्स में आप 1 राइट डाउन करेंगे और दूसरे में 0, 1, 0, 10, 1, 0, 10। 10 के बाद क्या आएगा, 1 and 1, 11, 1 and 1, 11, 2, 1 हम लिख देंगे तो क्या बना, 11, 11 के बाद 1 and 2 कितने होते हैं, 12, 1 राइट डाउन किया दूसरे बॉक्स में 2, ठीक है। 2 मैंने भी आपको बताया कैसे लिखना है, हमने बहुत बार ये सीखा है, 12, 1 and 2, 12, 1 and 3, 13, एक बॉक्स में फिर से 1 राइट डाउन किया, 2 के नीचे क्या राइट डाउन कर देना है, 3, 1 and 3, 13, 13 के बाद 14, 1 and 4, 14, फिर से ये देखिए 4 की लाइन नज़र आ रही है ना, आपकी भी आनी चाहिए, 1 and 5, 15, 1 के नीचे 1 राइट डाउन करते जाने हैं और यहाँ आपकी काउंटिंग दोबारा से आती जाएगी, ठीक है। 1 and 5, 15, 1 and 6, 16, 1 and 7, 17, 1 and 8, 18, 1 and 9, 19, और 19 के बाद क्या आएगा, 20, 20 कितना होता है, 2, 0, 20, 2 राइट डाउन किया एक बॉक्स में और दूसरे में 0, 2, 0, 20, हमारी 20 तक काउंटिंग कंप्लीट हुई। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कितना होता है, 1, 0, 10, 1 and 1, 11, 1 and 2, 12, 1 and 3, 13, 1 and 4, 14, 1 and 5, 15, 1 and 6, 16, 1 and 7, 17, 1 and 8, 18, 1 and 9, 19, 2, 0, 20, ठीक है। 20 तक हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर। 20 राइट डाउन किया हुआ है, इसके सामने जो स्पेस दी है ना खाली, आपने यहाँ पे लिखना है काउंटिंग पढ़ के कि 20 से पहले क्या आएगा। अभी हमने काउंटिंग लिखी है ना,
तो 20 से पहले हमने क्या लिखा था, क्या आता है बिफोर? बिफोर 20 क्या आएगा? 19, 1 and 9, 19. जब आप काउंटिंग पढ़ेंगे ना, हमने आज जो लिखी है तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, 1 and 9, 19. क्या आया था 20 से बिफोर? 1 and 9, 19. 19 से बिफोर क्या आएगा? अब ये देखिए, काउंटिंग हमने लिखी है ना, 19 से पहले क्या लिखा हुआ है? व्हाट कम्स बिफोर 19? 18. 1 and 8, 18. और ये सबसे इजी पार्ट, ये तो सबको पता होगा, वन से पहले क्या होता है? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ज़ीरो से. तुम क्या राइट डाउन करेंगे? ज़ीरो. अब देखिए आफ्टर क्या आएगा? 15 के बाद क्या आता है? हमने यहाँ पे देखना है 15 के बाद क्या आता है. क्या लिखा था हमने 15 के बाद यहाँ पे? 16. 1 and 6, 16. 1 and 6, 16. अब 13 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 13 के बाद क्या आएगा? 14. 1 and 4, 14. 10. 10 के बाद क्या आएगा? ये देखिए 1, 0, 10. 10 के बाद 11. 1 and 1, 11. अंडरस्टैंड? वर्ड कम्स आफ्टर एंड बिफोर. बिफोर क्या आएगा? आपने लिखते जाना, यानी 20 से पहले क्या आएगा, 19 से पहले क्या आया और 1 से, और आफ्टर यानी बाद में क्या आता है. ठीक है, इस तरह आपने ये राइट डाउन कर लेने हैं. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका है कलर एंड टिक द रेक्टेंगल शेप. आपने इसमें से क्या करना है? रेक्टेंगल शेप फाइंड आउट करनी है, और इसमें क्या करना है? कलर करनी है. अब देखें, ये 4 शेप्स मैंने ड्रॉ किए हैं, आपने इसमें से कौन सी शेप फाइंड आउट करनी है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप कौन सी है, हम कैसे पता करेंगे? एक चीज़ तो ये रेक्टेंगल की आपने याद रखनी है कि रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहते हैं जिसके 4 कॉर्नर्स हों. ठीक है, आप रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर के भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, ऐसे ही है ना. लेकिन रेक्टेंगल की एक पहचान ये है कि रेक्टेंगल की 2 साइड्स जो हैं वो हमेशा लॉन्ग होती हैं. ठीक है, एक तो रेक्टेंगल की 2 जो साइड्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, ये देखिए 1, 2 लॉन्ग साइड्स है ना, और 2 साइड्स क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं. अंडरस्टैंड? अभी मैंने क्या बताया है, रेक्टेंगल एक तो ये इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं इक्वल्स, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान जो ये है, इसकी 2 साइड्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं और 2 साइड्स क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं. अंडरस्टैंड? देखें, ये 2 साइड्स इसकी क्या हैं? लॉन्ग हैं, लंबी हैं, और 2 साइड्स क्या हैं? शॉर्ट हैं. ठीक है, इसके अलावा रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की कई शेप्स होती हैं. एक तो ये वाइड भी हो सकता है, वाइड मतलब लंबा, और एक ये टॉल भी हो सकता है. ये एक मैंने शेप ड्रॉ किया है ना, ये भी रेक्टेंगल है, ये वाइड भी हो सकता है और टॉल भी हो सकते हैं, इस तरह. ठीक है, समझ आ गई? मैं दोबारा एक बार बता दूं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ऐसी शेप को जिसके 4 कॉर्नर्स हों. फॉर एग्जांपल ये देखिए 1, 2, 3, 4 4 कॉर्नर्स है ना इक्वल्स. इसके अलावा रेक्टेंगल की हमेशा 2 साइड्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं. ठीक है, ये देखिए 1, 2 साइड्स लॉन्ग है ना, और 2 साइड्स क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं. अंडरस्टैंड? 2 साइड्स क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं. जैसे इसकी ये 2 साइड्स क्या हैं? शॉर्ट हैं. अंडरस्टैंड? ये रेक्टेंगल शेप है, समझ आ गई ना आप सबको. अब आपने इसमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ये रेक्टेंगल, इसको टिक कर देना है, और इसमें आपने कलर भी करना है अपनी असेसमेंट शीट के ऊपर, समझ आ गई? रेक्टेंगल जो शेप है फाइंड आउट करने के बाद आपने टिक करना है और उसमें यूँ कलर कर देना है, अपना फेवरेट कलर, कोई भी कलर कर दें आप उसमें. अंडरस्टैंड? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपने इसमें कलर करना है, लेकिन आपको जो कलर पसंद है आपने रेक्टेंगल शेप में कर देना है. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है काउंट एंड मैच. आपने काउंट करते जाना है और क्या करते जाना है? इसको मैच करते जाना है. सबसे पहले क्या बना हुआ है? फ्लावर्स. हम ये काउंट करते हैं, फ्लावर्स कितने हैं? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितने फ्लावर्स हैं? 10. मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप काउंट करते हुए भूल जाओ तो आपने क्या करना है? छोटे छोटे ऊपर टिक कर लिया करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
डिलीट करने से क्या क्या होगा, आपको याद रहेगा कि आपने कौन सा जो है डिजिट काउंट कर लिया है। अभी कितने फ्लावर्स थे, 10, हम इसको 10 के साथ मैच कर देंगे, 10 के साथ हमने इसको क्या किया, मैच कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, सर्कल्स, सर्कल फॉर्म करते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 कितना होता है, जब काउंटिंग पढ़ी है 1 and 9, 19, तो आप सर्कल्स को क्या करेंगे, 19 के साथ यू मैच कर देंगे, ठीक है, 19। अब 19 के बाद क्या है, ये ग्लास, ग्लासेस काउंट करते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने क्लासेस हैं, 15, और 15 कितना होता है, आज हमने काउंटिंग की है 1 and 5, 15, तो हम क्लास को 15 के साथ ही मैच कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें पेयर्स, पेयर्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 कितना होता है, 1 and 3, 13, हम क्या करेंगे, पेयर्स को 13 के साथ मिला देंगे, यू, ठीक है, हमने क्या किया, 13 के साथ पेयर्स को मैच कर दिया। अब लास्ट देखिए ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 कितना होता है, 1 and 1, 11, तो आपने ट्रायंगल्स को 11 के साथ मैच कर दिया। अंडरस्टैंड कैसे करने हमने ये काउंट एंड मैच, आपने काउंट करते जाने हैं और साथ साथ उनको मैच करते जाने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो डायरी है उसमें आपने वर्कबुक का पेज नंबर 36 राइट डाउन करना है, इसमें काउंटिंग लिखनी है आपने 0 से लेकर 20 तक, वो अभी हमने बोर्ड पे प्रैक्टिस की है ना 0 से 20 तक काउंटिंग की, वो आपने यहाँ पे फॉर्मेशन के साथ नीट भी राइट डाउन कर देनी है। और रेक्टेंगल का भी मैंने आपको बता दिया है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, आपने वो फाइंड आउट करना है इसमें से, जो रेक्टेंगल शेप्स हैं उनको, कौन सी रेक्टेंगल शेप्स हैं पहले मुझे ये बताएं। ये देखिए मैंने आपको बताया ना रेक्टेंगल क्या होता है, ये वाइड भी होता है यानी लंबा भी होता है और टॉल भी होता है। तो ये क्या है, देखें इसके टू साइड्स क्या है, लॉन्ग है, और टू साइड्स क्या है, शॉर्ट, तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगल, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए ये है आपका रेक्टेंगल, और कौन सा रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है, नो, ये स्क्वायर है, क्योंकि ये देखिए इसके दोनों जो लाइन, ये पार्ट्स है ना 1, 2, 3, 4, ये इक्वल्स हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको रेक्टेंगल का क्या बताया है कि टू साइड्स इसकी लॉन्ग होती हैं और टू साइड्स क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। अच्छा, और इसमें से कौन सा रेक्टेंगल है, जूस का डिब्बा, कैसे, ये देखिए इसकी टू साइड्स क्या है, लॉन्ग है, और टू साइड्स क्या है, शॉर्ट है, आप इसको भी सर्कल कर देंगे। इसके अलावा डोर, आपका रूम का जो डोर है वो भी रेक्टेंगल है, उसको भी आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपने जो रेक्टेंगल शेप्स हैं इनको सर्कल कर देने। अब नेक्स्ट है ट्रेस एंड कलर द रेक्टेंगल ग्रीन इन द पिक्चर। अब आपको ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना, आपने इसके डॉट्स को मिलाना है, ये जितने बॉक्सेस रेक्टेंगल के नजर आ रहे हैं उसमें कलर कर देने ग्रीन, ठीक है। ये आपका पेज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर मैथ का जो 20 है वो कंप्लीट हुआ। जजाकल्लाह।